के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर बाजार में रौनक है। नीमच के कमल चौक से लेकर केम्स कॉर्नर तक दुकानें सज गई हैं और राखियों की खरीदारी चल रही है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर शहर में बाजार सज चुके हैं। कमल चौक से लेकर 40 चौराहे तक अस्थायी रूप से राखी की दुकानें लगी है, जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए खरीदारी में जुट गई है। शहर में रक्षाबंधन को लेकर चहल पहल नजर आने लगी है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेगी, तो वहीं भाइयों द्वारा भी उपहार दिए जाएंगे। बाजार में रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बुधवार को सीटीवी ने राखी बाजार में रक्षाबंधन की खरीदारी करने आई बहनों से बातचीत। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बाजार सज चुके हैं, रक्षाबंधन के लिए राखियों की दुकानें सज चुकी है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए खरीदारी कर रही है। हमारे साथ बहनें मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की राखियां इन्होंने खरीदी और किस तरह का उत्साह इनमें है। आपका स्वागत है सीटीवी। आज आप राखियां खरीदने आए हैं, क्या क्या राखियां आपने खरीदी? आज हमने भाइयों के लिए बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर राखियाँ ली हैं और काफ़ी सुंदर राखियाँ हैं अपने स्टॉक में और काफ़ी उत्साह है। और चारों तरफ देखा जाए तो माहौल में एक रौनक है। भाई बहन के प्यार का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, इसमें अनोखी रौनक है और काफ़ी मतलब बहने हैं जो अपने भाइयों के लिए मतलब इस लॉकडाउन में भी बढ़ चढ़ कर राखियाँ खरीदी। अच्छा, आपने कौन कौन सी राखियाँ खरीदी? जी हमने इस टाइप में राखियाँ ली है और इस तरह की राखियाँ ली है और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके जो कार्टून वाली राखियाँ हैं वो ली है और एक छोटे सी गुड़िया है जिसके जो भाई है उनके लिए इस तरह की राखियाँ। कोरोना के कारण ठप हुए बाजार त्योहारों के साथ उठने तो लगे हैं, लेकिन कोरोना का असर अब भी खरीदारी पर नजर आ रहा है। एक राखी व्यवसायी ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से खरीदारी में कमी आई है। रोजगार नहीं होने से लोगों के पास रुपए नहीं है, जिससे लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह कम है। राखी की बात करें तो बाजारों में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां बिक रही है। इसमें मोतियों की राखी, धागे वाली राखी, वहीं बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों की डिमांड है। बुधवार को शहर के अनेक राखियों की दुकानों पर खरीदारी को लेकर भीड़ भी नजर आई। सुबह से शाम तक खरीदारी चलती रही। रक्षाबंधन को लेकर शहर के प्रमुख बाजार सज चुके हैं, राखियों की दुकान लग चुकी है और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखियां बांधने के लिए खरीदारी भी कर रही है। अभी हम 40 चौराहे से कमल चौक के बीच में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार राखियों की दुकान से सज चुके हैं। जगह जगह पर राखियों की दुकान लगी है। यह अस्थायी दुकानें जो राखियों तक लगी है, अभी यहाँ पर खरीदारी भी चल रही है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है अभी राखी रक्षाबंधन को लेकर और खरीदारी कैसे चल रही है। आप देख सकते हैं डिज़ाइनदार राखियाँ हुई या फिर डोरी वाली राखियाँ हुई, सभी यहाँ पर अभी लगी हुई है और इनकी खरीदारी भी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक राखी के दुकान संचालक मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और खरीदारी कैसे चल रही है। जो है बताइए किस तरह का माहौल है अभी राखी का। अच्छा, तो इसमें अभी क्या हमारे बाबा की उम्मीद लगा रही है कि हमारा भी बाजार थोड़ा अच्छा चले। अभी तो हमारे ये ताकि अभी गुजराती ताकि नहीं चलती है, हम इसे बढ़े हुए पाते हैं। मतलब क्या लगता है कब तक उठ जाएगा हमारा? ये लग रहा है कि मतलब 2-3 साल तक माहौल ये राशि कमी होते और ये लाद चल जाए तो आखिरी दिन चल जाए 22 तारीख। अच्छा, आपने कब दुकान लगा ली थी और अब तक कुछ हुआ? 14 दिन से लगा रहा हूँ दुकान और मेरे को 400-500 रुपये की घर से नहीं हो रही है। उसमें बहुत पूरी नौकरी भी निकल रही है और इस हालत में अभी हम देखते हैं। अच्छा, किस तरह की राखियाँ अभी बाजार में आई? अभी सब तरह की राखियाँ आई हुई है। अगर देखो तो देखा जाए तो झूलने वाली आ रही है, चाइनीज वाली आ रही है, सब राखियाँ चल रही है। राखियाँ सब 80-80 फैसन की आई हुई है, लेकिन वहाँ अरे स्वदेशी विदेशी क्या चल रहा है? अच्छा, डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा? डिमांड हमारे डोरी वाली उनकी ज़्यादा है, ऊपर वाली डोरी है, डूबे वाली ज़्यादा। अच्छा, मार्केट में अभी क्या क्या रेट की राखियाँ हैं? कहाँ बता दें, ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 रुपये से लेके 5 रुपये से लेके देखा जाए तो 20-30 रुपये तक की वहाँ से। अच्छा, जो मार्केट अभी तक उठा नहीं है आप बता रहे हैं, क्या कारण है? कोरोना ही इसका मुख्य कारण है या कुछ और कारण? इसका यह कारण हो सकता है कि लोगों के पास में पैसे नहीं है तो बेरोजगार हो गए हैं। आज दुकानें पहले नहीं लगती थी, जिसमें दुकानें लगी हुई है, यानी कि देखा जाए तो लोग बेरोजगार।
अच्छा, रोजगार नहीं है कोई। अच्छा तो बहनों में उत्साह है या नहीं? बहनों में उत्साह तो है, लेकिन देखो देखते हैं वो क्या करेंगे, बच्चे वो भी क्या करेंगे, भाई भी क्या करेंगे, बहन भी क्या करेगी, मामल उसका ऐसे ही चला। अच्छा क्या दो साल जो अपने कोरोना वायरस आया था उसके बाद से ये फर्क पड़ा? नहीं, दो साल से फर्क बहुत जोरदार फर्क पड़ गया। पहले हमारे में इस टाइम तो अच्छे से भी होती थी और अब नहीं होती। अच्छा कितना अंतर आया होगा, दो साल पहले जो मार्केट होता था रक्षाबंधन का और अब जो हो रहा है? 80% मार्केट का फर्क पड़ा हुआ है। पहले हमारा 100 होता था, इस टाइम तो आप 20% ही देंगे। अच्छा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क। अच्छा जैसा कि हमारे साथ एक रक्षाबंधन पर राखी की दुकान लगाई है दुकान संचालक ने बताया कि बहुत ज़्यादा अभी फर्क पड़ा है रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना वायरस का। दो साल से बाज़ार में बहुत ज़्यादा मंदी है और अब तक बाज़ार नहीं उठा है, जबकि 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बहनों का उत्साह है लेकिन खरीदारी में अभी कमी है। मेरे सहयोगी अंकित जेरिया के साथ मैं अजहर मंसूरी।